गिरफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। बढ़ती महंगाई और राशन कार्ड से नाम हटाए जाने को लेकर भाकपा और भाकपा माले ने किया प्रदर्शन और विरोध मार्च। भागलपुर, बढ़ती महंगाई और राशन कार्ड से नाम हटाए जाने के खिलाफ भागलपुर में भाकपा और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के समीप जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही बुलडोजर सरकार नहीं चलेगी का नारा भी लगाए। वहीं सीपीआई के जिला सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अभियान चला जिसका आज समापन है। जल जीवन हरियाली के नाम पर सरकार गरीबों के घरों को उजाड़ रही है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए सरकार उन घरों को नहीं उजाड़े और महंगाई को कंट्रोल करे, नहीं तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए राशन कार्ड धारियों का छत्ता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों को उजाड़ना बंद करो। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। आज वाम दलों द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान है महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। पूरे देश में हमारा इस महीने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन अभियान चला। उस जन अभियान का आज समापन है और आज हम प्रदर्शन के माध्यम से बेलगाम महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाने की मांग सरकार से करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर और जनजीवन हरियाली के नाम पर जो सरकार गरीबों और भूमिहीनों को उनके आवास को उजाड़ रही है, उसके बसाव की हम मांग कर रहे हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी भूमिहीन और गरीबों को उसके घर से नहीं उजाड़ा जाए और उसकी मुकम्मल व्यवस्था करे। कानून बना है भूमिहीनों को जमीन देंगे, सरकार जमीन नहीं दे पा रही, जमीन भूमि चोरों के पास पड़ा हुआ है और उल्टे ये कह रही है कि अतिक्रमण कर लिया है, इस नाम पर उसको हटाया जा रहा है। हमारा मांग है कि जिस जमीन पर जो लोग बसे हुए हैं उस बसे हुए लोगों को उसी जमीन का पर्चा निर्गत करो और उसके बसाव की गारंटी करो। परिचय सुधीर शर्मा, जिला सचिव सीपीआई और सीपीआई सीपीआईएम और भाकपा माले तीनों के संयुक्त नेतृत्व में यह प्रदर्शन निकला।